मैं हूं जहर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। 2020 के ग्राम पंचायत चुनाव राजस्थान में उनका बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब सभी प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज हम कामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओलंदा ग्राम पंचायत और उसके गांव खेड़ा में मौजूद हैं और यहाँ से एक प्रत्याशी हैं जल्लू और ये सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, कैसा आप वोट मांग रहे हैं जी, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत ना, पूरी बहुमत। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत। अच्छा, जिस तरीके से अब आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं लेकिन जनता भी आस लगाए बैठी है कि आप जब जनता आपको जिता कर भेजेगी तो उनका विकास होगा? हाँ, जनता आस लगाई बैठी है, विकास होगा, विकास कराऊंगा। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी जिस तरीके से आपके खिलाफ भी और प्रत्याशी भी मैदान में है, उनको कहाँ देखते, कितना उनसे मुकाबला है आपका? मुकाबला बराबर का, चार उनका। अच्छा हाँ, चार कैंडिडेट हैं हमारे ग्राम पंचायत में। अच्छा, चार उनको बराबर का मुकाबला। कितने गांव लगते हैं? चार। चार गांव लगते हैं, कितनी वोटे होंगे टोटल? 2600 सवा 2600। अच्छा जी, देखिए साहब, जल्लू खां का कहना है कि कड़ा मुकाबला है और हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। मौलाना साहब से भी बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों का समर्थन पा रहे हैं। मौलाना, किस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं? चुनाव प्रचार में जी खूब अच्छी तरह लगे हुए हैं और सारे साथी और गांव में जा रहे हैं, अच्छा प्यार मिल रहा है, वोटों की पूरी पूरी उम्मीद है सब गाँव से और सारे गाँव से वोट अच्छे मिलने की उम्मीद है। बढ़िया, और हम पूरा विकास भी करने का हमारा वादा किया है सरपंच साहब ने। अच्छा, और हम पूरी पूरी उम्मीद करें उसको जिताने की और सब गांव मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जो पिछला कार्यकाल रहा है, पिछला सरपंच रहा है, पहले हम दूसरी पंचायत में थे, गड़ी झील पट्टी में जी, उससे हमारा गांव हटा करके ओलंद पंचायत में जोड़ दिया गया है जी। पिछली बार हम हमारे जो ये सरपंच थे 38 वोट से पीछे रह गए थे। अच्छा, और अब की बार हम पूरी पूरी उम्मीद है कि हम हमारे सरपंच को हम जीता कर लेकर। अच्छा, जो विपक्ष के हैं, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, वो भी लगातार इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि हम फाइट में हैं, हम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे का क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो कर रहे हैं लेकिन कोशिश तो अपने अपने सब करते हैं जी जी। अच्छा, जिस तरीके से पूरे लोग आपके साथ जुटे हुए हैं और लगातार आपके साथ प्रचार कर रहे हैं, इससे लगता है कि जनता इस बार जल्लू खां को देखना चाहती है, इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं? तो इससे हर गांव में, जैसे हमारा नया गांव जुड़ा है लेकिन वो चीज़ हमें महसूस नहीं हो रही कि हमारा नया गाँव है, प्यार नहीं मिला, सारे गाँव में जाकर जैसे नए जुड़े हैं, सारे लोग नाम से ही वाकिफ थे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ गए जैसे हमारे पहली पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए साहब, लोगों का कहना है कि लोगों के दिलों में हमारे लिए जो प्यार है वो हमको हमारे रिजल्ट में जो तब्दील होगा, जब वोट डालेंगे तो लोग हमको इस बार सरपंच के लायक समझ रहे हैं, ऐसा मानना है इनका। और उनके साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। जरा किस कैसे वोट मांग रहे हैं लोगों से, कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा प्यार है, हमें उम्मीद है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या जल्लू खां विकास करा पाएंगे अगर सरपंच बने? बिल्कुल करा पाएंगे, एक बार और भी सरपंच रह चुके हैं गड़ी झील पट्टी से। अच्छा, बहुत अच्छा विकास मिला था, फिर दोबारा में 38 वोटों से पीछे रह गए जी। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, और जिस गाँव में जा रहे हैं अच्छा समर्थन मिल रहा है, जैसे हम नए गांव में जुड़े हैं, ऐसे अल्लाह के शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब की अच्छी बातें हैं और इंशाल्लाह वोट मिलेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे हम। अच्छा, क्योंकि लगभग 15-20 साल से चुनाव लड़ रहा है जल्लू सरपंच जी, और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मतलब सबसे टक्कर में आता है, और मतलब जब 4-5 बंदे चुनाव में आते हैं तो एक तो एक एक जीतता है, बाकी तो हारते हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि आज तक अच्छा कामयाबी मिली है जब से चुनाव लड़ने लगा है। अच्छा, गांव में हमने देखा कि विकास जो होना था नहीं होना हुआ है अभी तक? नहीं, इंशाल्लाह देखो, जब जल्लू सरपंच था अच्छा विकास भी कराए हैं, जो भी कोई काम आया है सामने तो सभी कराए हैं, बाकी अब पंचायत अलग हो चुकी है कि हम ओलंदा पंचायत में जा चुके हैं, अगर अल्लाह आपके कामयाबी देता है तो इंशाल्लाह फिर से विकास पूरा होगा। अच्छा, लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कौन सा चुनाव चिन्ह है और कैसे? हमारा चुनाव चिन्ह है अलमारी। अच्छा जी, अच्छा, आने वाले तारीख को जनता कैसे नेता को चुने? जी इंशाल्लाह अलमारी को ही चुनेगी, क्योंकि जो ओलंदा पंचायत में ज्यादातर अलमारी की ही बात है, उसमें अलमारी इंशाल्लाह कामयाब होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ खेड़ा गांव के लोग और प्रत्याशी जो जल्लू खां चुनाव मैदान में है, उनकी आवाम का कहना है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस बार जल्लू खां को देखना चाहते हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है अलमारी, उस पर इस बार जनता वोट डालेगी
और इसको विजयी बनाएगी ऐसा मानना है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चले क्या जल्लू खां को यहाँ की जनता वो प्यार दे पाएगी, क्या जल्लू खां को ये जनता यहाँ का सरपंच चुन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाली निशान। उसके बाद जल्लू खां की जिम्मेदारी बनती है कि जल्लू खां यहाँ का विकास कराए, जैसे जनता खरी उतरी ऐसे जल्लू खां भी जनता के भरोसे पर खरा उतरे। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, तब तक के लिए बने रहिए क्योंकि मैं आपको राजस्थान के हर पल की जानकारी दे रहा हूँ।